सो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। और आप देख रहे हो टेक असर। तो आज मैं आपको सिंपली बताने वाला हूँ कि आप अपनी थंबनेल्स को कैसे एडिट वगैरह कर सकते हो। जैसे मैंने जब ब्राउन वाली जो थंबनेल आपको बताई, जब मैंने ब्राउन वाला जो रिटचिंग की थी अपनी पिक्चर में, तो मैंने वो वाली थंबनेल आपको बना के दिखाई थी कि टेक्स्ट बिहाइंड कैसे लाया जाता है अपनी वीडियोज अपने पिक्चर्स वगैरह थंबनेल्स वगैरह के। तो मैंने आपको बताया था वो भी बहुत सिंपल तरीके में, सिर्फ आप 5 मिनट में अपनी थंबनेल रेडी कर सकते थे। तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मैंने लग्जरी ब्लैक वाली जो मतलब एडिटिंग की थी, रिटचिंग की थी लाइट रूम से, उसकी जो मैंने थंबनेल बनाई थी बहुत सारी पिक्चर्स का मिक्स करके, उसके बाद एक बहुत एक अच्छी तरीके से थंबनेल बनाई थी, आई कैची थंबनेल बनाई थी। तो आज आपको मैं सिंपली वो वाला लुक बताने वाला हूँ कि आप किस कैसे उस तरीके की थंबनेल बना सकते हो। मैं 3 या 4 टाइप्स की थंबनेल्स बनाता हूँ, तो आपको मैं सेकंड टाइप बताने वाला हूँ। मैं आपको सारी थंबनेल्स एक ही वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं पहले हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि आधे घंटे की वीडियो किसी को भी देखना पसंद नहीं होती, कोई भी वीडियो पे क्लिक ही नहीं करता आधे घंटे का देख के। इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखता हूँ ताकि वीडियो इंटरेस्टिंग भी और लोग पूरा तरीके से उसको अच्छी तरीके से देखें भी और वीडियो को समझें भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अभी डायरेक्टली हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने सिंपली पिक्सार डाउनलोड कर लेना है। पिक्सार ये वाला एक बहुत अच्छा ऐप है, हर बंदा इसको तकरीबन जानता है। उसके बाद आपने ये वाला जब ऐप डाउनलोड हो जाए, आपने सिंपली इसको ओपन करना है और उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको नीचे देखे जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको कलर बैकग्राउंड मिल जाते हैं, आपने व्हाइट वाला सिलेक्ट कर लेना है। वाइट वाला सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर चले जाना है टूल्स में। टूल्स के बाद क्रॉप, आपने यूट्यूब वाला इसको क्रॉप कर लेना है। आप जैसे ही थोड़ा इसको आगे करोगे तो आपको यहाँ पर यूट्यूब वाला एक मिल जाता है, आपने सिंपली यहाँ पर यूट्यूब का एक टेम्पलेट होता है बना हुआ क्रॉप का, तो आपने यूट्यूब वाले पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से सिंपली डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जब ये हो जाए उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड फोटो में चले जाना है और आपने जो रिजल्ट दिखाना है अपनी थंबनेल में, जैसे मैंने 6 फोटोज एडिट की हुई है उसी टोन में, तो मैं यहाँ पर चला रहता हूँ और उन 6 फोटोज को ऐड कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने इन 6 फोटोज़ को ऐड कर लिया, उसके बाद आपने इनको थोड़ा सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपने क्रॉप में चले जाना और यहाँ पर स्क्वायर वाले को सिलेक्ट करके टिक कर देना है। उसके बाद आप ये वाली फोटो है, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ की है तो ये मतलब पोर्ट्रेट साइज़ में, तो आपको पोर्ट्रेट में नहीं करना, आपको लिए मतलब थोड़ा लैंडस्केप साइज़ में जब आएँ तब आपको इनको एडिट करना है। उसके बाद आपने इनको यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर इसको इस वाली फोटो को यहाँ प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद इसको क्रॉप में जाता हूँ, इस वाली कोई फोटो को भी उसको भी स्क्वायर वाली शेप में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से कर देता हूँ डन। डन करने के बाद इसको भी मैं थोड़ा मतलब सीधा करने देखो अभी वाली फोटो यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद मैं इसको भी थोड़ा इसका साइज भी थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसके मतलब बराबर कर लेता हूँ और इसको यहाँ से कर देता हूँ डन। उसके बाद इसको भी मैं यहाँ पर जाता हूँ क्रॉप में, सिंपली क्रॉप में जाने के बाद मैं इसको भी स्क्वायर शेप में करने के बाद यहाँ से डन पे क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं इसके साइज का कर देता हूँ यहाँ से डन। इन दोनों को भी मैं मतलब कर लेता हूँ स्क्वायर वाले साइज में सबसे पहले। जब स्क्वायर वाले साइज में होते तो आप देखो यहाँ पर ये बिल्कुल अब हो चुकी हैं एडजस्ट। के बाद आपने सिंपली यहाँ पर कर देना है क्लिक डन पे। डन पे जैसे क्लिक करोगे तो देखो साइड पर अब थोड़ा वाइट एरिया रह गया है, तो सिंपली आपने दोबारा से चले जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद क्रॉप, और आपने ऐसे इसको क्रॉप नहीं कर देना है, आपने दोबारा जाना है यूट्यूब में, वरना इसका साइज बड़ा हो जाएगा और यूट्यूब की थंबनेल पे नहीं लगेगी। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा और क्रॉप करना है और यहाँ से आपने कर देना है डन। देखो डन पे जैसे क्लिक करोगे तो आप देखो ये बिल्कुल यूट्यूब वाले साइज में आ चुकी है। उसके बाद आपने चले जाना है एफएक्स में। एफएक्स जो होता है इसका नाम मतलब एफएक्स लिखा हुआ होता है लेकिन इसका नाम एफएक्स है। एफएक्स में जाने के बाद आपने यहाँ ब्लर वाला सिलेक्ट करना है और रेजर पे चले जाना है। रेजर पे जाने के बाद आपने यहाँ पर जैसे मैं थोड़ा सा इसको रिस्टोर कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे आपने बिल्कुल सेंटर में इसको रिस्टोर कर देना है। उसके बाद कर देना है डन पे क्लिक। डन पे क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ उसका ब्लर इफेक्ट, उसके बाद कर देता हूँ डन। डन जैसे ही करोगे आप तो यहाँ पे सिंपली ये देखो थोड़ा ब्लर इफेक्ट आ चुका है। उसके बाद आपने यहाँ से चले जाना है ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद आपने ड्रॉ पे क्लिक कर देना है। ड्रॉ पे जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा, आपने चले जाना है शेप वाले सेक्शन में। शेप वाले सेक्शन में जैसे आप जाओगे तो आपने एक स्क्वायर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को मैं कर देता हूँ तकरीबन 45। इसके साइज़ को मैं फुली रहने दूंगा और देखिए थोड़ा सा आप जैसे स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको मिल जाता है फिल का ऑप्शन। फिल पे आप जैसे क्लिक करोगे ओके पे क्लिक कर देना, तो अब ये कुछ इस टाइप का देखें मैं यहाँ पर एक फिल बना लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पर एक फिल बन चुका है। उसके बाद आपने यहाँ से कर देना है डन। डन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जैसे अब मैं चला जाता हूँ टेक्स्ट में। टेक्स्ट में लिखने के बाद अब मैं यहाँ टेक्स्ट में जाने के बाद अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डोप ब्लैक। जैसे मैंने अपनी जो थंबनेल थी उसमें भी डोप ब्लैक ही लिखा था। डोप ब्लैक लिखने के बाद आपने यहाँ से फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है, वो वाला जो आप फ़ॉन्ट चाहते हो। अगर आपको फ़ॉन्ट की वीडियो चाहिए मैं फ़ॉन्ट की वीडियो भी ले आऊँगा।
क्या आप कहाँ से फ़ोन डाउनलोड कर सकते हो अच्छे अच्छे, उसके बाद आपने यहाँ से डन कर देना, डन करने के बाद आपने चले जाना है ऐड फोटो में, और जो लाइट रूम का PNG है वो वाला आपने डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद आपने उसको ऐड कर देना है। उसके बाद आपने ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर चले जाना है क्रॉप में, क्रॉप में जाने के बाद इनको इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से कर देता हूँ डन। डन करने के बाद मैं यहाँ पर इसको मतलब यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ इसको, और इसकी ओपेसिटी को हल्का सा कर देता हूँ कम, हल्का सा कम करने के बाद ये जो डो ब्लैक जो लिखा हुआ है इसको मैं हल्का सा छोटा करूँगा और इसको थोड़ा मतलब इस साइड पर ले आऊँगा। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से प्लस में जाऊँगा, टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा लग्जरी। उसके बाद मैं इसका फ़ोन दूसरा वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करने के बाद यहाँ पर मैं एडजस्ट कर देता हूँ और इसकी ओपेसिटी में जाऊँगा और इसकी ओपेसिटी को मैं हल्का सा कम कर दूँगा। जो डोप ब्लैक लिखा हुआ है इस पर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ और इसकी ओपेसिटी में जाऊँगा और इसकी ओपेसिटी को भी कर दूँगा कम, क्योंकि आपने थंबनेल में कम लिखना होता है, बस आपको बताना होता है कि किस टॉपिक के बारे में, पूरा उसका टाइटल नहीं लिखना होता थंबनेल में। उसके बाद जब ये देखें आप थंबनेल बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अगर इसमें आप कुछ कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप लाइटरूम से जाके कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात थंबनेल की सैचुरेशन बढ़ा दिया करें ताकि उससे एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा लुक आता है। सैचुरेशन देखें थोड़ी सी बढ़ चुकी है। उसके बाद कंट्रास्ट में मैं चल जाता हूँ, कंट्रास्ट को भी हल्का सा बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया हल्का सा बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद कर देता हूँ डन पे क्लिक। डन पे क्लिक करने के बाद देखिए मैं आपको पहले कुछ इस टाइप का खाली एक वाइट मतलब मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था और अब ये इस टाइप की थंबनेल बन चुकी है। जब आपकी थंबनेल रेडी हो जाए आपने ये वाला सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और अब आपकी फोटो सेव हो चुकी है। सर मैं होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक मस्त कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि मैं किस टाइप की वीडियोस और लाऊं इंस्टा और हाँ यार इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादातर ऑनलाइन रहता हूँ, वहाँ पर आप मुझे कोई भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको या अगर जैसे कोई इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे कॉन्टेंट में वो भी आप मुझे बता सकते हो, कोई भी वीडियोज़ अगर आपको मेरे चाहिए हो कि मैं आप किस टाइप की और वीडियोज़ लाऊँ तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी तो लाजमी क्लिक कर लेना, और भाई को दुआ में याद रखना, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।